नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर। सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे आप, जल्द ही टीचर बनने वाले हैं, तो क्यों ना सीटेट की तैयारी में हम भी आपकी मदद करें। तो आइए आज हम बात करते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन की, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर आता है, तो इंग्लिश का हम कंप्लीट करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम सारे जो इम्पोर्टेंट कॉमन पेपर्स हैं ऑलमोस्ट उसे कंप्लीट कर दें। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लर्निंग एंड एक्विजिशन। आपको पता है कि ये लर्निंग एंड एक्विजिशन टॉपिक है जो आपके सीटेट के सिलेबस में है, प्राइमरी लेवल वाला भी और अपर प्राइमरी दैट इज़ 8 तक जो सीटेट का टेस्ट होता है उसमें भी आता है। तो हम इस पर ही आज बात करें। तो हम देखते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग ये दोनों क्या चीज़ें हैं इसकी हम बात करेंगे। तो लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन को हिंदी में हम अर्जित कहते हैं। तो जब हम भाषा को अर्जित करते हैं और भाषा को सीखते हैं, अधिगम होता है जब, तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो ये है सबकॉन्शियस लर्निंग। लर्निंग ये भी है, एक्विजिशन भी एक तरह की लर्निंग है, पर ये होती है सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से, जब हम मूवी देख के या फोक स्टोरीज जानकर, गेम्स के थ्रू, टॉयज़ के थ्रू, पेरेंट्स से बात करके, सोसाइटी में रहकर, बातें करके, कन्वर्सेशन से जब हम सीखते हैं, तो वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसमें क्या होता है, नोइंग थ्रू लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के द्वारा सीखते हैं हम। पिकिंग अप वर्ड्स, हम छोटे बच्चों को जब बोला जाता है कि जब वो रोता है तो उसको बोला जाता है कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं दर्द हो रहा है, तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो वो बच्चा उन वर्ड्स को पिक करता है। उसको पता नहीं है कि वो उसमें ग्रामेटिकल क्या एरर्स हैं या ग्रामेटिकली वो कैसे फ्रेम हुआ है सेंटेंस या वर्ड, बट वो उन वर्ड्स को सुनकर, महसूस करके सबकॉन्शियसली लर्निंग प्रोसेस में पिक करता है। फिर वो ट्राइंग टू आस्क फॉर थिंग्स, वो चीज़ों को पूछता है, जैसे उसको भूख लगी है तो वो खाने के लिए पूछता है, उसी तरह से जब वो बात करना शुरू करता है तो ही ट्राइज टू आस्क फॉर समथिंग, तो उसके थ्रू वो भाषा को सीखता है एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस। और दूसरी तरह से वो बातचीत इस तरह से करता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करता है, तो वो किस वे में होगा, वो लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। तो इस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस लर्निंग है, जबकि दूसरी तरफ जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग है वो है कॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस लर्निंग यानी कि इसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स को जानते हैं, हम लर्निंग के रूल्स के थ्रू लैंग्वेज को सीखते हैं, ग्रामर को के इंस्ट्रक्शंस को जानते हैं कि ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें हम लर्निंग में करते हैं। एरर करेक्शन यानी कि इसमें एरर के चांसेस भी होते हैं और उनका करेक्शन भी किया जाता है, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग में नोइंग अबाउट लैंग्वेज होता है, जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन में नोइंग थ्रू लैंग्वेज, यानी कि जो रोज़मर्रा की भाषा है उसके थ्रू हम सीखते हैं, जबकि यहाँ लर्निंग में नोइंग अबाउट लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन में इनमें से क्या होता है, नोइंग थ्रू लैंग्वेज, नोइंग अबाउट लैंग्वेज, नोइंग द लैंग्वेज, इस तरह से आपको ऑप्शन आएंगे, तो आपको दिमाग लगाना है कि नोइंग थ्रू लैंग्वेज। अब नोइंग अबाउट लैंग्वेज क्या है, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स को जानना, मेमोराइज करना वर्ड की लिस्ट को, जैसे हम वर्ड मीनिंग्स मेमोराइज करते हैं, और फिर कैन डिस्क्राइब लैंग्वेज, और लैंग्वेज को डिस्क्राइब, उसके रूल्स को डिस्क्राइब करना, ये है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। लर्निंग
एंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं हम, तो चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। अब जैसा कि पहले भी बताया कि वो सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है एक्वायर करना, एक्विजिशन करना या अर्जित करना, तो ये सबकॉन्शियस है, ठीक है, सबकॉन्शियस हमेशा याद रखना। और अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, एक्विजिशन में हम ग्रामेटिकल रूल्स को बिना जाने बिना समझे ही एक्वायर करते हैं किसी लैंग्वेज को। नेक्स्ट पॉइंट, दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन दे एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग। आपकी मदर टंग जो होगी वो आप फटाफट से एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि वो आप घर पे सुन रहे हैं, आपने सबसे पहली भाषा वो सुनी है, तो दैट इज़ योर मदर टंग, दैट इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड दैट इज़ स्पेशली ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू लर्न। देन दे रिपीट वॉट इज सेड टू देम एंड गेट अ फील फॉर वॉट इज़ एंड वॉट इज़ नॉट करेक्ट। अब वो फील के थ्रू जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, तो वो जो उनसे कहा जाता है उसको रिपीट करते हैं बच्चे, और फिर उसको करेक्ट या इनकरेक्ट फीलिंग के थ्रू, क्योंकि वो बचपन से सुनते आ रहे हैं उस भाषा को, तो उनको पता चल जाता है कि ये सही है भाषा या ये गलत है। Then in order to acquire a language, they need a source of natural communication which is usually the mother, the father or the caregiver. यानी जो भी guardians है, जो भी उनका parent है या जिनके साथ वो रहते हैं, वो naturally communication के through acquire करते हैं language को। तो बहुत ही easy है कि language acquisition को acquire किया जाता है। फिर लैंग्वेज लर्निंग की थोड़ी सी बात करते हैं हम डिटेल में। लैंग्वेज लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि आप क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ेंगे ए बी सी डी, आप पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन, आप पढ़ेंगे वर्ब्स एडजेक्टिव, तो आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। जबकि अब अगर आप साधारण नॉन फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से टीवी देखते हुए, माता पिता से बात करते हुए एक्विजिशन करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट एन एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। यानी कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको भाषा सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि लर्निंग प्री सपोजेज दैट लर्नर्स हैव अ कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द न्यू लैंग्वेज एंड कैन टॉक अबाउट द नॉलेज। यानी कि उस भाषा को जो भाषा सीखता है बच्चा, वो भाषा कहीं ना कहीं उसको आनी चाहिए, बिल्कुल नई नई होनी चाहिए, तो वो यूज़ करता हो उस भाषा को, तभी उसको वो लर्न कर सकता है। यानी कि वो पहले एक्वायर की गई हो, उसके बाद ही हम उस भाषा को लर्न करना ईजी होता है। तो बहुत यंग एज में इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो बच्चा उस भाषा को नहीं जानता बिल्कुल। बड़ी एज में हम डिफरेंट भाषाओं को सीखते हैं, हम जापानीज सीखते हैं, जर्मन, लेकिन वो यंग, इसमें ये बोला गया है कि यंग एज में इट्स नॉट ईजी टू लर्न एनी लैंग्वेज। दे यूजली हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो जो एक नई भाषा सीखते हैं उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज ग्रामर का होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स एंड डज नॉट रिक्वायर टीडियस ड्रिल। यानी कि टीडियस ड्रिल एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन में। एक डेफिनेशन है स्टीफन क्रैशन की, इन्होंने कहा है एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंसेस बट विद द मैसेजेस दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि एक्विजिशन की परिभाषा दी है इन्होंने कि एक्विजिशन क्या रिक्वायर करता है, एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन द टारगेट लैंग्वेज, जो कि एक नेचुरल कम्युनिकेशन है। जैसे मैं आपसे भाषा, जिस भाषा में बात कर रही हूँ वो एक नेचुरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ। हाँ, इसको टीचिंग के लिहाज से देखेंगे तो ज़रूर ये लर्निंग लैंग्वेज का हिस्सा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो ये एक नेचुरल कम्युनिकेशन है।
इसमें क्या है कि मैं जो बोल रही हूँ किस भाषा में, मेरी भाषा में ग्रामेटिकल एरर्स हैं या मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोच रही. मेरी जो मकसद है, मेरा जो एम है, दैट इज़ टू कन्वे एंड अंडरस्टैंड. यानी कि मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर सकूं, ये लेसन कन्वे कर सकूं और आप इसे समझ सकें. तो एक्विजिशन का ये अर्थ है.